दो मिनट बस बाकी हमारी नॉलेज में आया है कि HPFA का ऑफिस जो कि हमारे ऊना में ही है, ठीक है, और हम उसमें से उसका और DFA का बिल्कुल भी तालमेल ठीक नहीं है, जो कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के हिसाब से हमारे यहाँ पे ऊना में 4 क्लब रजिस्टर्ड हैं जो अभी आई लीग खेल रहे हैं, उसमें हमारा एक भी हिमाचल का लड़का नहीं खेल रहा है और वो हमारे ऊना में रजिस्टर्ड है और हमें DFA को ही नहीं मालूम है कि वो ऊना में रजिस्टर्ड हैं। तो वो किस तहत उन्होंने HPFA ने रजिस्टर किया है, उनका ऑफिस एक खड में है जो कि हमने जाके देखा वहाँ पे ऑफिस नहीं है, और दूसरों का भी जो ऑफिस है दूसरे गांव में दिखाया गया जो कि यहाँ पे है ही नहीं। AIF की गाइडलाइन है कि जो भी क्लब्स है उसकी ग्रास रूट डेवलपमेंट वहाँ पर ज़रूर होनी चाहिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ना कोई क्लब की ग्रास रूट डेवलपमेंट है, जो आई लीग प्लेयर हमारे हिमाचली खेलने चाहिए वो आज की डेट में बाहर की टीम में और क्लब आके खेल रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा फाइनेंशियल भी हिस्सा जो है DFA को मिलना चाहिए HPFA की तरफ से, वो भी हमें नहीं मिला है। तो हमारा यही अनुरोध है कि HPFA में जो है पारदर्शिता होनी चाहिए, उसमें उसके कौन कौन से मेंबर हैं, कौन है हमारे DFA से हमें ही नहीं मालूम है कि HPFA में कितने मेंबर्स हैं, क्योंकि वन मैन शो चल रहा है, और जो कि हम चाहते हैं कि फुटबॉल का स्तर जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, उसमें ये कोई पॉलिटिकली बयान नहीं मैं दे रहा हूँ, अभी पीछे ही हमारे यूथ सर्विसेज की तरफ से आई लीग में अंडर 16 गर्ल्स के लिए प्रपोजल आया था जब वर्ल्ड कप हो रहा था इंडिया में, कोई भी डिस्ट्रिक्ट या कोई भी स्टेट वो टूर्नामेंट करवाने पर मैच 12,500 रुपया मिलना था जो कि मिला भी गया, हमारे डिस्ट्रिक्ट में हुआ वो इवेंट, हमारे डिस्ट्रिक्ट में हुआ है और हमारे डिस्ट्रिक्ट को ही नॉलेज नहीं है कि वो पैसा फिर कहाँ गया, वो कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट में लगना चाहिए वो HPFA को हिसाब उसका हमने इसमें चर्चा की है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो गतिविधियाँ हो रही हैं उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए HPFA क्या कर रहा है, हर महीने डी लाइसेंस वगैरह हो रहे हैं, वो सब जो है इसी के ऊपर हमारी चर्चा हुई है और बहुत जल्द हमारी नेक्स्ट मीटिंग इसी के बारे में फिर होगी। धन्यवाद। आज ऊना में फुटबॉल जो डेवलपमेंट हो रही है HPFA द्वारा करवाई जा रही है, हमें उसके बारे में ना ही सूचना होती है, हमें बाद में पता चलता है कि ये काम चल रहा है। तो बाकी एक संतोष ट्रॉफी की टीम जानी है हमें उसके बारे में भी टाइम टू टाइम हमें सूचित नहीं किया गया है, क्योंकि ऊना जिला एक ऐसा है जहाँ पे फुटबॉल सबसे हिमाचल में सबसे ज़्यादा फुटबॉल ऊना में ही है, फुटबॉल की प्रतिभा जो है इसको निखारने के लिए ज़रूरत है अभी कि टाइम टू टाइम इसमें ग्रास रूट टूर्नामेंट करवाए जाएँ, अदर टूर्नामेंट करवाए जाएँ, तो जिसमें HPFA का भी काफ़ी योगदान रहता है। HPFA DFA से कभी तालमेल में नहीं रही है, उन्होंने ना आज तक हमें, अभी लड़कियों का टूर्नामेंट हुआ था तो उसमें भी हमें कोई बुलाया नहीं गया, अभी हिमाचल में सीनियर स्टेट हुई तो उसमें वहाँ सिलेक्शन हुई लड़कों की, तो सिलेक्शन में जो सिलेक्ट हुए खिलाड़ी जो टॉप खिलाड़ी रहे उनको ट्रायल में, फिर ट्रायल करने की क्या ज़रूरत रही अगर HPFA में वहाँ सिलेक्शन हो गया तो संतोष ट्रॉफी का ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने ट्रायल किया, उसमें जो टॉप स्कोरर रहे थे उनको भी बाहर किया। आज DFA की मीटिंग में इसी बारे में चर्चा हुई है, तो हम DFA का जो भी बात है हम आपके सामने रखी है, आगे भी हम ऐसी चर्चा करते रहेंगे।